हाय एवरीवन, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आ गई हूँ सेम कपड़ों में, बिकॉज एक ही दिन में मैंने दो दो वीडियोस बनाए सिर्फ आपके लिए। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल थे, पर मेरे पास गलत शेड्स आ गए हैं। मतलब मैं रिग्रेट करती हूँ उनको मैंने बाय क्यों किया और वेस्टेज की अपने पैसों की। सो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको अभी जल्दी बता रही हूँ। एक मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गई थी, हुण मैनू नहीं पता मेरी गलत क्रीम आ गई सी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस क्रीम को और वो कहते हैं बहुत ही इफेक्टिव है। मैं जब भी लगाती थी मेरा मुंह भाई जल जाता था। सो मेरे पास अब ये छोटी सी डब्बी रह गई, उनकी जो बड़ी डब्बी थी वो मैंने फेंक दी क्योंकि मेरे लिए काम नहीं करती, और मैं जितनी बार भी अपने होते या मदर के ऊपर लगाई है उनके लिए भी वो काम नहीं की। सो शार्लेट टिल्बरी की आती है क्रीम, वो बहुत ज़्यादा वायरल है, पर इतनी एक्सपेंसिव 5,000 की क्रीम लेने के बाद ऊपरों दी मैनू भी शौक चढ़िया होता है, छोटा टेस्टर नहीं मंगवाऊंगी, बड़ी क्रीम मंगवाऊंगी। तो 5,000 के अराउंड है वो क्रीम और बिल्कुल वेस्ट हो गई मेरी अमाउंट। ऐसी सी बड़ी पैकिंग आती है ये, मैं स्पेशली लब्बी कितने गिरी फिरी पई सी, ठीक है। सो आप लोग बताओ कितने लोग हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, अभी मिल्क का न्यू लॉन्च आया सुंदर सा ब्लशर, वो मुझे बहुत पसंद आया। बट जो मिल्क का पहले वाला ये वाले ब्लशर आए थे ये मैंने बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने समझ नहीं आया एक क्यों बनया, या तो इन्हें मेरे मुंह पे कलर नहीं आया या फिर मुझे समझ नहीं आया फॉर्मूला है क्या। जब भी लगा रही हूँ तो कलर नहीं आ रहा भाई, और थोड़ा सा तो आ जाए भाई, तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल वेस्टेज है। मेरे पास ये दो शेड थे, एक मेरे पास ऐसा शेड था एक इससे डार्क शेड था, बट दोनों के दोनों बिल्कुल कामयाब नहीं हुए, बिल्कुल पसंद नहीं आया, एंड दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सो इट्स अ बिग नो फॉर मी। और ये वाला तो मैं लिटरली इसको फेंकने वाली हूँ, बिकॉज एदा हुन कोई रोल नहीं है, डस्टबिन में जा रहा है। सो अगला जो प्रोडक्ट है दिस इज टी फिट, ये कंसीलर वैसे बहुत लोगों ने रिव्यूज दिए इट्स अमेजिंग, पर ये बहुत एक्सट्रीम फेयर के लिए मेरे पास कलर आ गया था, ये मेरे से कम नहीं कितना, इसलिए मैंने बहुत कट यूज़ किया। हाँ ब्राइड्स के लिए मैं कर लूँगी, बट मैं खुद के लिए बोलूँगी ये मेरा कलर नहीं आया। तो ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट गलत है, बट यार जो इसे बाय करते हैं तो शेड गलत आ जाए, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। इसलिए मुझे आप कमेंट करके बताओ कि मुझे कौन सा शेड लेना चाहिए था, बट जो मैंने अभी शेड लिया है वो टोटली रॉन्ग। सो अब जो अगली आया देख। सो जो नेक्स्ट चीज है वो है ये वाली लिपो, बहुत सारे लोगों के लिप्स पे बहुत अच्छा काम करती है, बट ये मेरे लिप्स पे बिल्कुल इट्स अ बिग नो, बिकॉज इतनी ड्राई लगती है, चैप लगती है। ये एक बार लगाओगे तो बहुत अच्छा काम करती है, बट अगर आप रिपीटेडली दूसरी बार कोटिंग करोगे तो लिप्स बिल्कुल फट जाते हैं। मुझे भी इसका फॉर्मूला समझ नहीं आया, पर मैं कभी कभी मिक्सिंग में ज़रूर यूज़ करती हूँ बिकॉज द कलर इज़ ब्यूटिफुल, बट द फॉर्मूला फॉर मी इट्स अ बिग नो, बिकॉज मेरे लिए बहुत ड्राइंग है, जिनकी लिप्स बहुत ड्राई हैं मैं ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं बोलती। दिस इज़ फ्रॉम टू फेस, शेड इज सेल आउट, ये बहुत लोगों का फेवरेट होगा, कमेंट करके जरूर दोस्तों जिन्हें लिप्स से बहुत ज़्यादा कामयाब है, और जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया वो लोग भी कमेंट करके बताओ, ताकि हमें पता चले कि मिक्स रिव्यूज़ हैं या फिर मैनू थोड़ी मिसकंसेप्शन हुई है कि ये अच्छी है कि नहीं। अब नेक्स्ट मैं मस्कारा की बात करूंगी, ये मेरा एक टाइम पे बहुत फेवरेट था, बट अब मार्केट में इतने सारे सस्ते सस्ते मस्कारे आ गए हैं इतने बढ़िया क्वालिटी में कि ये मेरा दोबारा लेने का मन नहीं किया। एंड दिस इज अ बैड गर्ल फ्रॉम बेनिफिट्स, ये बहुत सुंदर मस्कारा है, बहुत अच्छा लिफ्ट देता था, बट ये मस्कारा ना कभी कभी मेरे यहाँ पे लग जाता बिकॉज माई फेस इज ड्राई बट माई लिप्स आर ऑयली, राइट। अब मुझे इतने अच्छे मार्केट में इससे हाफ टू हाफ अमाउंट में मस्कारास मिल जाते हैं जिनके साथ लिफ्ट भी अच्छा मिल जाता है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करता, सो नाउ दिस इज अ बिग नो फॉर। अगली चीज बता रही हूँ, ऑफेंड नहीं होना, ओके। सो रेयर ब्यूटी का ब्लश, मैं ये बोलूंगी ये मेरा बहुत फेवरेट है, बट ये बहुत महंगा है। सो इसका मैंने एक हिसाब से ड्यूप निकाल लिया है, इससे ज्यादा पिगमेंटेड है, एंड दिस इज O2O का ब्लश, ये मेरा फेवरेट बन गया, बिकॉज मैं हल्का सा भी लगाती हूँ ना एकदम से कलर आता है। सो जिनको वर्क करना नहीं आता डेफिनेटली आप रेयर ब्यूटी पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लश, पर इट इज एक्सपेंसिव फॉर अ लिक्विड ब्लश, बट O2O के रिजल्ट्स भी अमेजिंग है। आप इस पे जाकर इन्वेस्ट करोगे तो रेयर ब्यूटी पे जाकर इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये इसके हाफ पे प्राइस का ये वाला ब्लश है। सो ये वाला मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी, बिकॉज इसमें मेरे पास बहुत कलर ऑप्शन है, तो मैं कई बार बोलते बोलते भूल जाती हूँ मैं की बोलना, सॉरी। बस यार होर नहीं प्रोडक्ट्स ऐसे थे, ऐदा ना होवे मेरे तो सारे जाने गुस्से हो जाए। सो यही कुछ ऑप्शंस थे जो मैं ये बोलूंगी कि या तो कलर गलत आ गए हैं,
या फिर मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। सो गाइस, अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद है, अगर मैं देखूँ कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बहुत अच्छा है, तो मैं डेफिनेटली उसको एक या तो रीपरचेज करके एक बार ट्राई करूंगी, या फिर मैं दोबारा से उस चीज़ को जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है उसको ज़रूर ट्राई करूंगी, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा ओपिनियन गलत ना हो। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगी, इनमें से अगर आपको बिल्कुल भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या फिर और ऐसे चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि उनके मैं रिव्यूज़ दे सकूँ। मैं की बोलता है यार, समझ नहीं आई, पर चलो यार जो भी बोल रहे सब बढ़िया बोल रहे। टिल देन लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल, लव यू, बाय बाय।